ब्लैक ओपेरॉन, इसको समझने के लिए एक बैक्टीरियल सेल को आपको याद करना यहाँ पे जरूरी है। जैसे आप एक बैक्टीरियल सेल को याद करेंगे, आपको ब्लैक ओपेरॉन जो है वो अपने आप समझ आ जाएगा और इसका आगे जो प्रोसेस है वो भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि बैक्टीरियल सेल में ही क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसको। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसके पास दो तरह के इसकी जेनेटिक मटेरियल है। एक इसका जीनोमिक डीएनए है जो आपको यहाँ पे ये ब्राउन कलर से दिख रहा है, और ये प्लाज्मेट्स हैं जो इधर आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके जीनोमिक डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली कोई अच्छा डायग्राम इसके रिलेटेड अवेलेबल नहीं था, तो क्योंकि इससे कम से कम इतना तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो बैक्टीरियल डीएनए है वो कैसा दिख रहा है, आपको सिंगल सर्कुलर दिख रहा है। सर्कुलर बोलने का मतलब है कि ये देख के बच्चों को इतनी बात समझ आ जाती है कि बैक्टीरियल जो डीएनए है वो उसके आपको टर्मिनल्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे ढूंढने पे, वो आपको कैसा दिखेगा ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, इस जेनेटिक मटेरियल पे होता ये है एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाता है इसके साथ, इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ आके एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है। मैं आपको जितनी स्टोरी बता रही हूँ बस आपको उतना ही समझना है, ऑटोमेटिकली उसके बाद जो सारा स्टेटमेंट है, सारे एंजाइम है वो खुद ही क्लियर हो जाए। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि होता ये है कि इस बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल जब बाइंड कर गया तो कहाँ बाइंड किया, तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही आके बाइंड कर गया। तो बाइंड किया तो क्या हुआ फिर उससे, इसके बाइंड करने से क्या होगा, इस बैक्टीरियल डीएनए के आगे की पूरी प्रोसेसिंग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होना बोलने का मतलब है कि ना तो इसमें अब ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो हमारे पास चैलेंजिंग जॉब क्या है कि किसी तरीके से इस रिप्रेसर को हटाया जाए। अब एक अगला क्वेश्चन आता है, भाई ये रिप्रेसर आया कहाँ से, जो हमने मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का क्या किया, आपको जो रिप्रेसर यहाँ पे कनेक्ट करा दिया रिप्रेसर मन, तो ये रिप्रेसर आखिर आया कहाँ से। तो रिप्रेसर इसके खुद का ही एक आई जीन जो है वो कोड करने का काम करता है। यहाँ आई क्या करता है, यहाँ पे कोड करने का काम करता है। ये भी पूछा जाता है बच्चों से कि विच जीन एक्सप्रेसेस रिप्रेसर मॉलिक्यूल, तो ये रिप्रेसर को बाइंड करने का काम कौन करता है, आई जीन करता है। मैं सब लिख दूंगी अभी फिलहाल आपको समझने के ध्यान दे, क्लियर हो गया। तो रिप्रेसर क्या किया, यहाँ पे आके बाइंड कर गया। तो ये जो रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड किया तो इसने क्या किया, इसके सारे फंक्शन को, सारी चीजों को स्टॉप कर दिया, सीज कर दिया। तो जब स्टॉप हो गया, सीज हो गया, तो अब दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि अब क्या करें इस रिप्रेसर का। इसको हटाना बहुत जरूरी है, इसको रिमूव करना बहुत जरूरी ऑब्वियस है। कोई आपको हाथ पैर बांध के बिठा दे चेयर पे, जैसे मूवीज में दिखाते किडनैप करके रखा हुआ, उसको काम है, कहीं जाना है, कुछ करना है, कैसे करेगा, करेगा तो तभी ना जब आप उसको वहां से फ्री करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से ये बेचारा जो जेनेटिक मटेरियल है, अब इसको ब्लॉक करके किसने रखा हुआ है, रिप्रेसर ने, ये बोला मैं जब तक बैठा हूँ यहाँ तुम्हारे साथ तुम कोई काम नहीं कर सकते। तो एक चैलेंजिंग जॉब हमारे पास क्या आया कि हमें रिप्रेसर मॉलिक्यूल को यहाँ से हटाना है। तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल को जब हटाना है तो अब यहाँ पे इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को हटाने के लिए 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, अब 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आके रिप्रेसर मॉलिक्यूल को हटाएंगे वहां से, मतलब वहां से पुल करके खींचने का काम करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको रिप्रेसर को हटाने के लिए कितने लैक्टोज चाहिए, तो 4 लैक्टोज की आपको रिक्वायरमेंट होती है रिप्रेसर को वहां से हटाने के लिए, ताकि रिप्रेसर को आप क्या कर सके, वहां से हटा सके। और ये रिप्रेसर जिस जगह पे बैठा हुआ कनेक्ट हो गया, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक,
अब अगर इतने पोर्शन पे बैठा है तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रीजन, क्योंकि यही बैठा हुआ ना, यहाँ से हटाएंगे तो आगे का जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स जब इसको यहाँ से जाके रिमूव करेंगे, फिर फर्दर क्या होगा? आपका आरएनए बनेगा, डीएनए है तो आरएनए बनाएगा ना, और आरएनए है तो क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तुरंत आपको समझ आएगा, आपकी बुक में जो डायग्राम है उससे तुरंत क्विक समझ आएगा। तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये बच्चों को समझ नहीं आता कि आखिर ये डायग्राम क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें बताना क्या चाह रहा है। ये आपके बुक में अवेलेबल डायग्राम, एग्जाम में होता ये है कि ये जो पूरा डायग्राम अवेलेबल है इसमें से किसी भी चीज को कहीं पे भी डैश मेंशन कर दिया गया, बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ क्या होगा, है ना। जेड जीन है, डैश करके यहाँ पे छोड़ दिया गया, कौन किसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिप्रेसर है ये खुद इसी का जो जीन आई है वही एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है। तो ये जाके अभी बाइंड किया था तो ये काम करने ही नहीं दे रहा था। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस रिप्रेसर को जब हम हटाएंगे तो फिर जो एमआरएनए है, ये जो लैक एमआरएनए है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या हो गया, उस बना एमआरएनए, और एमआरएनए अब क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद तुरंत ट्रांसलेशन लिखा है यहाँ, तुरंत क्या लिखा है? ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। तो ट्रांसलेशन जब लिखा हुआ है तो ट्रांसलेशन में जो फर्स्ट प्रोटीन बनता है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा जो सेकंड बनता है दैट इज फॉर्मिएज, और थर्ड वन इज ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, किसी बच्चे को याद है व्हाट्स द फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज? याद करके देखिए, आखिर एक्चुअली इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ठीक है, वेरी गुड। ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। ये आपके 11th क्लास में आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ रखा है, बायोमोलिक्यूल्स में हमने बनना सीखा था कि अगर आप ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ कंबाइन करेंगे तो लैक्टोज बनेगा। डाइजेशन वाले चैप्टर में आपने ब्रेकडाउन ठीक उसका उल्टा पढ़ा था कि अगर आप लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेंगे तब आपकी बॉडी को ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये आपको उस वर्क के लिए चाहिए। तो इसकी बॉडी में, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी में खुद ही ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो मेंटेन होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, और मैं लिखूंगी तो तुरंत आपको क्विक समझ आएगा, बहुत सारी चीजें उससे भी क्लियर होंगी। थोड़ा सा इसको लिखेंगे, सबसे पहली चीज, हालांकि जैकोबन मोनोट के नाम पे बहुत सारा वर्क है लेकिन इसको रिपोर्ट करने वाले भी जैकोबन मोनोट ही थे। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जैकोब एंड मोनोट देन द लैक ओपेरॉन इज रेफर्ड एज अ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटिंग सिस्टम
इन बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं और प्रोकैरियोट्स भी लिख सकते हैं। बैक्टीरियल डीएनए सीजेज इट्स फंक्शन ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ a repressor molecule at operating region। पहली बात तो ये कनेक्ट होता है, ठीक है। अब तुरंत हम लोग इसका क्विक एक्शन लिखेंगे कि जब ये कनेक्ट है इसके साथ तो ये करेगा क्या। तो एक ही पॉइंट में हमने क्या किया है, बैक्टीरियल डीएनए सीजेस इट्स फंक्शन, बोलने का क्या मतलब है। इसके ब्रैकेट में आप लोग ट्रांसक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, क्या सीज करेगा क्या बंद करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन को ये ब्लॉक करेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है, भाई ये रिप्रेसर आया कहाँ से। तब हम लोग एक लाइन जो है वो मेंशन कर देते हैं ताकि जो डाउट है वो रहे नहीं बिल्कुल भी। Repressor is expressed by gene I। Small letter से ही सबको डिनोट करेंगे, इसके फिलहाल हम लोग जितने भी जीन्स लिखेंगे सब। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ। फोर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ रिप्रेसर आफ्टर रिमूवल ऑफ रिप्रेसर डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए। इसमें तो है ही नहीं ना कोई कॉम्प्लिकेशन, अब ऐसा थोड़ी कि इसमें हमने आरएनए बनाया उसके बाद हम स्प्लाइसिंग करने लग जाएंगे। नहीं, पहले ही आपने सीख रखा है कि स्प्लाइसिंग की जरूरत सिर्फ किसमें है, जब आप यूकैरियोटिक करेंगे ट्रांसक्रिप्शन तब, यहाँ पे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ रिप्रेसर डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए, फिर एमआरएनए undergo translation। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, ट्रांसलेशन तो आप करा रहे हैं। बच्चों को मैं कहती हूं कि जब हम अल्फाबेट्स लिखते हैं तो सबसे लास्ट में आपके पास Z आता है, ठीक है।
उसके जब और बैक में आप जाएंगे तो आपके पास वाई आता है, और सबसे जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो ए है। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि जब तुमको जीन का नाम याद करना हो तो उल्टा याद रखना, पहले जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद ए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन किसको एक्सप्रेस करेगा और कौन किसके लिए कोड करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा करना है, जब हम लोग जेड के बारे में बात करेंगे तो अल्फाबेट में पहले बी आता है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको कोड करेगा ये। जब जीन वाई की बारी आएगी ये परमीएज को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि पहले बी आता है अल्फाबेट जब आप लिखते हैं, उसके बाद पी आता है, और उसके बाद क्या आता है, टी आता है, तो लास्ट में जो जीन ए है दैट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करने का काम करेगा। इसलिए मैंने बोला बच्चों का क्या काम है, वो क्या करते हैं एग्जाम में, उनको लगता है अच्छा ए है ये करता होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके बाद वाई है ये परमीएज करता होगा, जेड है तो ये ट्रांस एसिटाइलेज करता है, वो इस हिसाब से याद कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले इसको उल्टा याद करना है, जेड फिर वाई फिर ए, उसके बाद अल्फाबेटिकली अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बात है, पहले बी आता है फिर पी आता है फिर टी आता है, ठीक है। इसने क्या किया, इस तरीके से इन सबको यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट किया। जब ये यहाँ पे इसने फॉर्म कर दिया, जितने भी प्रोटीन सब ये लग जाएंगे अपने काम पे, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जैसे अभी मैंने पूछा तो आपने आंसर करा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट वन इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ पे परमीएज। फॉर्मीएज इंक्रीजेज परमीएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इसकी परमीएबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में सिर्फ एक ही बात लिखी जाती है, या तो लिख दिया जाता है कि ये ट्रांस एसिटाइलेशन का वर्क करेगा, ठीक है, या आपको मेंशन कर दिया जाता है कि ट्रांस एसिटाइलेज जो है इसके प्रॉपर वर्क के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी बोला जाता है कि आखिर जब ये बन रहा है तो जरूर इसका कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बैक्टीरिया की बॉडी में, जो ऐसी चीजें हैं जो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही, तो उसको क्या करेगा ये, उसको वापस सेल के अंदर एंटर नहीं होने देगा, कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लास्ट वाला हम लोग लिख लेते हैं ट्रांस एसिटाइलेज
में असिस्ट सेल्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन बाय एसिटाइलेटिंग नॉन मेटाबोलाइजेबल जो जिसका मेटाबॉलिज्म ना हो सके, जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता उसको हम लोग नॉन मेटाबोलाइजेबल कहते हैं। ठीक है, केमिकल्स देयर बाय प्रिवेंटिंग मतलब रोकेगा, प्रिवेंटिंग देयर री एंट्री इंटू द सेल चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब जब ये लैकोपेरॉन आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो लैकोपेरॉन में एक स्पेशल बात आपने क्या सीखी, आखिर ये सारा फसाद शुरू कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक रिप्रेसर जो है वो आके अटैच हुआ था, जब जेनेटिक मटेरियल से डीएनए से तब स्टार्ट हुआ था ना। ऐसा तो नहीं है कि बोला गया डीएनए को कि भाई तुम एक काम करो चलो बनाना स्टार्ट कर दो प्रोटीन और इसके अपनी मर्जी से बना लिया, नहीं। क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके ऊपर जब ये रिप्रेसर आके बैठा, मतलब ये रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर, हम रेगुलेशन तो हमने पढ़ाई करी है लेकिन जो हमने पढ़ाई करी है सच्चाई ये है कि हमने इसको शुरुआत ही कहाँ से करा है, नेगेटिव रेगुलेशन से करा है। कुछ ऐसा होता कि कोई चीज ऐसी सिक्रीट हो रही है, कोई ऐसा एंजाइम बन रहा है जिसके बारे में हमने बोला ये गया और उसने उस प्रोसेस को इंड्यूस करने का काम कर दिया, उसने उस प्रोसेस को परफॉर्म कराने का काम कर दिया, तब हम लोग बोलते कि क्या ये पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल। लेकिन नहीं, ये जो आप लैकोपेरॉन का जो आपने रेगुलेशन पढ़ा है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ना इसने रोका होता, ना इसने सारी चीजों को स्टॉप किया होता और ना ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन का ये एग्जाम्पल है। लास्ट लाइन ऐड कर लेंगे उसमें, बस हो जाएगा ये। नोट करके लिख लेंगे, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। चलिए यहाँ तक हो गया होगा सबका, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है लैकोपेरॉन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा हमें क्या करना है इसमें, आपको करना ये है
सिर्फ अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये फर्स्ट पेज हार्डली 3 to 4 लाइंस, देन सेकेंड पेज, मतलब इसको तो लाइंस भी नहीं बोल सकते, हाफ हाफ ही है यहाँ पे, ठीक है, देन बस ये आपको बता देना है कि कौन सा प्रोटीन क्या वर्क करता है, ठीक है, इतना आपको करना है। और ये डायग्राम जो है ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, जो आपके बुक में अवेलेबल है, इस डायग्राम के बारे में हम लोग बात करें। ये हुई लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात। फिर सवाल ये उठता है कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, विच जीन एक्सप्रेसेस रिप्रेसर मॉलिक्यूल, द आंसर इज जीन आई। मेंशन या फिर गिव द टर्म फॉर दैट रीजन टू विच रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड्स, तो आप लोग उसको लिखते हैं ऑपरेटिंग रीजन, क्या बोलते हैं कई किताबों में इसको, कंट्रोलिंग रीजन बोला जाता है, ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है। Which gene is responsible for expression of beta-galactosidase? Gene Z. Which gene codes for permease? Gene Y. Which gene codes for transacetylase? Gene A. What is the function of beta-galactosidase? It is responsible for breakdown of lactose into glucose and galactose. What is the function of permease? It is responsible for increasement of permeability of beta galactosidase into the cell. Then transacetylase involved in detoxification of the cell. यानी कि जो चीजें इसको पता चल गया कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होना है, उसको ये वापस सेल के अंदर री एंटर होने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम किसने रिपोर्ट किया था इसको, जैकब एंड मोनोड का आपको नाम याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी की ऑर्गेनिजम्स में आपको लैक ओपेरॉन का जो सिस्टम है ये देखने को मिलेगा, तो ये आपको सिर्फ बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। अब आप सोचेंगे कि आपकी बॉडी में आपको लैक ओपेरॉन का ये जो फेनोमेना है आपको देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे 10 क्वेश्चंस तो मैंने बोल दिया। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कैसे लिखना है मैंने आपको 100 बार भी बताया।